अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। गैस आज मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ कि हमारा जो सलाल का प्रोजेक्ट जो बहुत साल पहले बना था, डैम टॉप, उसका पानी कितना गहरा है और कितना ज़बरदस्त है वो पानी। आप देखिए आज की वीडियो जो मेरी ये शॉर्ट वीडियो रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ वो पानी के कितना धुआं निकल रहा है उस पानी से। बहुत दिन हो चुके हैं मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, कोई वीडियो नहीं डाली, इसीलिए मैं आज आपके लिए फिर से, कोई अच्छी वीडियो नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने कहा चैनल खाली पड़ा हुआ है तो मुझे सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है कहने की बात नहीं। गैज़ अब अंधेरे में तीर चलाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अगर सपोर्ट होगी तो बड़ा कुछ होगा। आप भाई यही सोचते होंगे कि वीडियो डालता नहीं है, चैनल बना के रखा हुआ है, तो इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं डाल सकता। तो चलिए देखते हैं, हम वो वीडियो पहले आपको दिखाते हैं कि बारिशों ने सैलाब, तो पता नहीं कितने स्टेटों में सैलाब आ चुका है और वहाँ का क्या हाल होगा जहाँ पे सलाल प्रोजेक्ट का ये डैम टॉप है जहाँ से पानी छोड़ा गया है। तो चलिए देखते हैं वो वीडियो के वहाँ पे कैसा पानी है और उस पानी से कितना प्रेशर है, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये है हमारा सलाल का जो प्रोजेक्ट बना हुआ था उसका ये पानी छोड़ा गया है और ये पानी कितनी ज़बरदस्त अपना जोश दिखा रहा है। पानी का जोश आप देखिए कि ऊपर जैसे आग लगी है उसी तरह से ये धुआं वगैरह निकल रहा है और आप देखिए देखने कितना नज़ारा है। ओहो हो, क्या बताएं आपको गाइज, ये देखिए कितना ज़बरदस्त पानी है कि आपको बताएं, क्या आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल साफ साफ के पानी कितनी गहराई होगी। इसकी गहराई जो इसके पीछे डैम है उसकी गहराई का आज तक कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और देखिए आप ये पानी देखिए कितना ज़बरदस्त है, पूरी तरह से आपको दिख रहा है पानी। देखिए देखिए गाइस, इसने मैं जो हम पुल के ऊपर हैं मौजूद, यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ी हमें, हम नहीं पड़ी थी कोई वीडियो, हमने सोचा कि चलो यही व्लॉग वगैरह डाल देते हैं। यहाँ से हम होकर अपने गांव में आते हैं, यही पुल क्रॉस करके। मैंने अपने दोस्तों से भी शेयर किया था कि यहाँ पे अगर कोई फिल्म शूट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।